यस 100 शब्द प्रति मिनट गति। उपसभापति जी, मैं इस समय प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कमेटी के पास कोई ऐसी शक्ति है कि यदि कोई विभाग कानून नहीं बनाता है तो वह उसको बाध्य कर सके कि वह कानून बनाए, या अगर वह कोई सिफारिश करती है तो अनिवार्य रूप से उसे लागू करा सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जो स्थायी हैं लेकिन उनके कर्मचारी अस्थायी हैं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो जिंदगी भर काम करते करते सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं लेकिन वे नियमित नहीं हो पाते। जैसे मैं सैनिक स्कूलों का उदाहरण दे रहा हूँ, केंद्रीय सरकार सैनिक स्कूलों को मान्यता देती है, रक्षा विभाग के नियंत्रण में वे चलते हैं लेकिन उनका माए बाप कोई नहीं है। पढ़ाई की मान्यता तो राज्य सरकार देती है और सेना की मान्यता आप देते हैं लेकिन अध्यापकों के लिए वहाँ कोई सेवा शर्तें नहीं हैं, कोई पेंशन नहीं है और कोई ग्रेचुटी भी नहीं है। उनके लिए आज तक कुछ बना भी नहीं है। पता नहीं कितने दिनों से यह धांधली चली आ रही है। वहाँ के प्रिंसिपल जिसको चाहते हैं 3 महीने का वेतन देकर निकाल देते हैं, उन्हें नोटिस देकर निकालने का अधिकार प्राप्त है, जबकि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जो कुछ दिनों की सेवा के बाद स्थायी हो जाता है, वह चाहे कितनी भी अनुशासनहीनता करता रहे, यदि आप उसको निकाल देते हैं तो वह हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से लड़कर फिर वापस आ जाता है और पूरी तनख्वाह भी ले लेता है लेकिन उनके सामने कोई चारा नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है और न आज तक बना है। तो ऐसी स्थिति में आप कमेटी को क्या शक्तियाँ दे रहे हैं कि जहाँ इस तरह की बात हो वहाँ वह अधिकारियों को बाध्य कर सके कि वे कानून बनाए। हमारा अनुभव तो यही है कि नौकरशाही अगर एक बार गलती कर लेती है तो उस गलती को दोहराते रहने में ही उसको मज़ा आता है। जानकर भी गलती हो जाती है तो उसकी ही बार बार वकालत करते हैं और तब तक वे नहीं मानते जब तक कि आप उनको बाध्य न कर दे। आप उनको बाध्य करने के लिए कभी तैयार होते हैं और कभी नहीं। इससे उन लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि ऐसा लगता है कि इसमें जहर को मीठा चढ़ाकर दिया गया है। अब वह मरता है या नहीं यह तो पात्र और सुपात्र पर निर्भर करेगा, लेकिन जहर से कोई नहीं बचता, इसीलिए मीठे में जहर आपने मिलाया है ताकि पता न चले और काम तमाम भी हो जाए। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि बिहार प्रेस के वापस होने के बाद आप राज्य सरकार को वे पूरे अधिकार बजाय अधिनियम बनाकर देने के अब उपनियम बनाकर दे रहे हैं।